खड़ा हूँ। हाँ जी, बिकेम सर्बियाती का पार्ट शूटिंग हुआ, इसका एडवांस में भी शूटिंग होगा। एडवांस में हर बात एडवांस होगी। वहाँ आधार हैं, जड़ें हैं, और यहाँ बीज हैं। ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। अभी मर्ज हैं, फिर इमर्ज हो जावेंगे। वहाँ भी ऐसे ही हुआ, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक कमियां कमजोरियां और रावण संप्रदाय के अवगुण नहीं दिखाई पड़ते थे। मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और रावण संप्रदाय इमर्ज हो गया। बाबा कर्मा स्थिति से संग कारण कब मिलेगा कि सब आता है कर्मा स्थिति के तरफ? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन मन धन लगावेंगे उतना मिठास का अनुभव करेंगे। कब का प्रश्न ही नहीं। बाबा ऐसा तो कुछ करते ही नहीं है कि सिर्फ बोल बोल ही करते हो। ब्रह्मा के द्वारा जब बोल बोल करते थे तो सामने कोई सिंबल था या नहीं था? है, था या नहीं था? है, ब्रह्मा बाबा थे ना। अब जब तक मेरा मेरा चल रहा है, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, तो उनके साथ कर्म बंधन नहीं जुटा हुआ रहेगा। है, जब तक मेरा मेरा और मैं है तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। परमधाम में आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी? है, फिर वहाँ मेरा और मैं होगा। अच्छा, वो निराकारी धाम की ही बात है या वो परम धाम की बात साकार दुनिया में भी होगी? है, यहाँ भी होगी। तो क्या अंतर होगा यहाँ की स्टेज में और वहाँ की स्टेज में? क्या अंतर होगा? पुरुषार्थ में क्या अंतर होगा? है, अंतर यही होगा कि यहाँ दुनिया वालों का भी संग का रंग लगता रहता है और वहाँ दुनिया नहीं होगी। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही बाप की याद किया, सबके अंदर रमण की हुई होगी। तो बाप निराकारी निर्विकारी, तो बच्चे भी निराकारी निर्विकारी होंगे। उसी कहेंगे कर्मातीत स्टेज। लास्ट टाइम में बच्चे जब बाप से बिछुड़ते हैं कि नहीं बिछुड़ते हैं? बाप की याद परमानेंट होगी या खत्म हो जाएगी? है, परमानेंट। जब बाप की याद होगी तो बिछुड़ा हुआ कहेंगे। अगर बिछुड़ेंगे अंत समय में, अगर बिछोड़ने की बात होगी तो अंत मते सोगते हो जाएगी। फिर सत्य चित्त आनंद कहाँ रह पावेंगे? हाँ जी, दुनिया बिछड़े, हम क्यों बिछड़े? हम तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और जन्म जन्म साथ निभावेंगे। बाबा भक्ति मार्ग जिसे कहते हैं, सूर्यपुर ललपुर नागपुर तीनों पुर में आया है। और भजन करो भाई यार, क्या तुम भरम बुलाया है? हाँ तो भजन करो, क्या क्या भागने की बात है? तीर्थ स्थानों में जैसे भागते रहे, ये तो बुद्धि को भगाने की बात है। यहाँ सुरपुर भी है, यहाँ नरपुर भी है, यहाँ नागपुर भी है। नाग उनको कहा जाता है जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं। उन 5 नागों की यादगार शंकर के शरीर में दिखाई जाती है। कमर में लिपटा हुआ नाग काम विकार की याद, दाईं भुजा में लिपटा हुआ नाग क्रोध विकार की यादगार, बाईं भुजा में लोभ की यादगार, गले में लिपटा हुआ मोह की यादगार और सर पर लिपटा हुआ अहंकार की यादगार। ये 5 विकार जो हैं वो इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये विकृत धर्म वाले जो हैं वो नाग नहीं दिखाई पड़ते है। ये विष उगलते हैं, ग्लानी उगलते हैं कि भगवान का गायन करते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं, भगवान को पहचानते भी हैं, पहचानने के बावजूद भी फिर मुख से क्या उगलते हैं? है ग्लानी का विष उगलते हैं या भगवान का गायन करते हैं। कभी-कभी बोलते हैं कि बाबा का सुन्नत नहीं है, है बोलते हैं बाबा सुन्नत नहीं है। हाँ तो बताया ना कि देवात्माएं भी यही मंडरा रही हैं, ब्रह्मा सरस्वती जैसी, जो फरिश्ते के रूप में कार्य कर रही हैं। नर इतने भी ब्राह्मण हैं जो 84 जन्म लेने वाले हैं, वो क्या है? सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी बीज रूप आत्माएं हो, वो सब क्या है? नर है, पक्का नर है। और फिर नाग भी है। नाग कौन है? जो 84 जन्म नहीं लेते हैं, कम जन्म लेते हैं, कम कलाएं धारण करते हैं, भगवान से याद की शक्ति भी कम लेते हैं, अधूरे ब्राह्मण हैं। वो जैसे कि नाग हैं। विष उगलने वाले हैं। सतयुग त्रेता में विष नहीं उगलेंगे, उनके दांत कील दिए जाएंगे। लेकिन द्वापर शुरू हुआ और वो उनके दांत फिर नए जम जाते हैं। भारतवासियों की, भारत के धर्म की, भारत के शास्त्रों की कितनी ग्लानि करते हैं। भारत के देवताओं की ग्लानि कर करके सब भारतवासियों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। शूटिंग यहाँ हो रही है। बाबा 5 मुखी जो ब्रह्मा का गायन है, तो 5 मुख प्रेजेंट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दिखाई नहीं पड़ते, इसका मतलब तुमको 5 मुख दिखाई नहीं पड़ते। कंप्यूटर की चर्चा थी, तो बता रहे थे कि 5 मुख प्रेजेंट में होना चाहिए ना, तो कौन कौन होंगे 5 मुख? 5 मुख जो हैं ब्रह्मा के जो 5 मुख गाए जाते हैं वो एक मुख से दूसरा मुख बड़ा होगा, छोटा होगा, या पांचों मुख एक जैसे होंगे? है, छोटे बड़े होंगे। इसका मतलब कोई पहले हुआ, कोई बाद में हुआ। तो अब तुम्हें पता नहीं है, एडवांस ज्ञान लेने के बाद तो पता होना चाहिए कि पहले मुख कौन से, जिस मुख से पहले काम लिया गया वो बड़ा मुख, जिससे बाद में काम लिया गया वो छोटा मुख। दूसरी परिभाषा ये है कि जो बड़ा काम करके दिखाए तो बड़ा मुख, और जो छोटा काम करके दिखाए छोटा मुख। नाम क्या है? अरे उन मुखों का नाम क्या है? ब्रह्मा मुख। ब्रह्मा मुख नाम ही ये साबित करता है कि उन्होंने बड़ी अम्मा का पार्ट बजाया है। कोई मुख ने सुनने सुनाने का पार्ट बजाया, कोई मुख ऐसा है जिसने सिर्फ सुनने सुनाने का पार्ट नहीं बजाया, लेकिन ब्रह्मा का जो मुख्य गुण है उस मुख्य गुणों को धारण करने का भी पार्ट बजाया। प्रैक्टिकल जीवन में कौन सा है? है क्या? हाँ, सहनशीलता का पार्ट किस मुख ने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो सहनशीलता का पार्ट बजाया सुनने सुनाने के साथ, ऐसा पार्ट जो आदि में मुख हुआ जगदंबा का, सुनने सुनाने का, उसने नहीं बजाया। आदि में भी वो सहनशीलता धारण नहीं की, ब्रह्मा का जो मुख्य गुण है, और अंत में भी जगत पिता के साथ जगदंबा के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो भी सहनशीलता का वो पार्ट नहीं बजाती है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक में और चाहे एडवांस में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो उसके मुख से निकली हुई वाणी का मुकाबला कर सके। बड़ी से बड़ी दीदी दादी दादाएं क्यों न हो, वो भी सुनने सुनाने में उसको नहीं हरा सकते। सुनाने पर उतर जाए, सुनाने पर जब उतर जाए तो जो शंकर जी हैं वो भी धराशायी दिखाई देते हैं। ऐसी लंबी जीभ चलाती है कि उनको भी जवाब नहीं आता, मसट साध के चुपचाप लेट जाते हैं कि नहीं, लेट जाते हैं। तो 2 ब्रह्मा तो ये स्पष्ट है। तीसरा ब्रह्मा वो है जो आदि में भी प्रत्यक्ष नहीं होता, मध्य में भी प्रत्यक्ष नहीं होता। आदि में काम उसी ने किया था जो सहनशीलता का ब्रह्मा पैदा हुआ। क्या काम किया था? जो सुना था सुनने सुनाने का काम तो ब्रह्मा का है ना, लेकिन सुनने सुनाने के साथ साथ वो आत्मा उसको धारण करती है, ज्ञान के बीज को ऐसा संपूर्ण रूप से धारण करती है प्रैक्टिकल जीवन में कि वो प्रैक्टिकल जीवन दादा लेखराज ब्रह्मा को पूरा ही प्रभावित करता है। इतना प्रभावित करता है कि सन 47 में उनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है कि मैं ही कृष्ण की सोल हूँ। बाकी दादा लेखराज वाली जैसी आत्मा, अनुभवी आत्मा, किसी के सुनने सुनाने से मानने वाली नहीं है। अगर सुनने सुनाने से ही मानने वाली होती तो वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्यों से सुनकर के मान जाती, अपने जीवन के 12 गुरुओं से सुनकर के मान जाती, विश्वास कर लेती। लेकिन नहीं, कब माना? जब पवित्रता का विशेष गुण धारण करने वाला ब्रह्मा प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर उनको ये समझाता है कि आपका पार्ट कृष्ण का है, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। क्योंकि यज्ञ के आदि में एक माता नहीं थी, 2 माताएं थी। एक माता थी बोल बोल करने वाली और दूसरी माता बोल बोल करने वाली इतनी नहीं थी, लेकिन धारण करने वाली थी। प्योरिटी में ही धारणा होती है। वो प्रैक्टिकल कार्य करने वाली, प्रैक्टिकल संस्कारों में सुधार लाने वाली, परिवर्तन शक्ति, वो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुई है। वो लास्ट में प्रत्यक्ष होती है, और जब प्रत्यक्ष होती है तो 1 सेकंड में क्या हो जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। कौन बन जाता है ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में? है? है? अकेली बनेगी विष्णु? छोटी मम्मी अकेली विष्णु बनेगी? है? अकेली नहीं बनती है, है? हाँ, बनते हैं। तो 5 आत्माएं संगठित रूप से विष्णु बनती है। इसलिए विष्णु के 4 हाथों में 4 आयुध दिखाए जाते हैं। वो 4 भुजाएं स्थूल भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? एक कटा हुआ हाथ का विष्णु देखा क्या है? या 2 हाथ कटे हुए हों, 3 हाथ कटे हुए हों, ऐसा कोई विष्णु देखा क्या? विष्णु तो तब बनता ही तब है जब 4 आत्माओं का सहयोग हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आत्मा रूपी भुजा ऊंचा कार्य करने वाली है और कोई आत्मा रूपी भुजाएं नीचा कार्य करने वाली है। कोई आत्मा रूपी भुजाएं वाम मार्गी कार्य करने वाली है, बाएं हाथ का, और कोई आत्मा रूपी भुजाएं, दान धर्म कौन से हाथ से किया जाता है? दाएं हाथ से, दाएं हाथ का कार्य करने वाली है। तो क्लियर हो जाता है कौन कौन सी भुजाएं हैं, कौन कौन सा पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्माएं हैं। हाँ? अरे शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 ही आयुध तो दिखाई जाते हैं, हैं? तो वो शंखनाद करने वाला हाथ कौन सा है? है? है। जब प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है ब्राह्मणों की दुनिया में, जिस निमित्त के निकलने से, मैदान में आने से, तब शंखनाद होता है, दुनिया में आवाज निकलती है। और वो आवाज जो निकलती है वो इतनी तीव्र आवाज होती है कि सारी दुनिया प्रभावित हुए बगैर नहीं रहती। 70 साल से ऊपर हो गए, अभी तक बोल बोल ही सुना, इंद्रियों की भागदौड़ ही देखी ब्राह्मणों की दुनिया में, कि प्रैक्टिकल जीवन में कोई परिवर्तन देखा? ब्राह्मणों ने खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखा? खुद ही नहीं दिखाई पड़ता तो दुनिया वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन वो ऐसा शंखनाद करने वाला हाथ है, ऐसी सहयोगी भुजा है जो सारी दुनिया में शंखनाद फूंक देती है। महाभारत में दिखाया है, पहला पहला शंखनाद किसने किया है? कृष्ण ने किया? द्रोणाचार्य ने किया? जो पवित्र आत्मा है उसी का आवाज संसार में फैलता है। अपवित्र आत्मा का आवाज दुनिया में नहीं फैल सकता। अपवित्र आत्मा का वाइब्रेशन कैसा होगा? अपवित्र वाइब्रेशन में ज्यादा पावर होती है या वाचा और दृष्टि में ज्यादा पावर होती है? है, वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो पवित्र आत्मा का वाइब्रेशन ही सेवा करता है। तो जिसे छोटी माँ कहा जाता है, राज लक्ष्मी कहा जाता है, राज लक्ष्मी का लकब धारण करती है, उसके शंखनाद से स्थापना भी और विनाश का कार्य भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और स्थापना के साथ साथ पालना भी शुरू हो जाती है। ये ऊपर की भुजा है, भले बाई भुजा है, क्या बाई भुजा क्यों है फिर? है बाई भुजा इसलिए है कि शंखनाद लड़ाई का सूचक है, रणभेरी आरंभ हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में राजाई छुपी हुई है। फिर है ऊपर की दूसरी भुजा चक्र। कौन सी भुजा है जो ज्ञान का चक्र घुमाने वाली है? क्यों? होमराधे मम्मा को ऊपर का दाया हाथ क्यों दिखाया गया है विष्णु की भुजा में? अच्छा, माने जो चारों भुजाओं को चलाने वाला पांचवा ब्रह्मा का मुख है, प्रजापिता ब्रह्मा जिसे कहा जाता है, उससे जाति मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं, भले नहीं है, लेकिन पहले पहले जिसने कदम बढ़ा के दिखाया। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा आविष्कार किया जो बड़े से बड़े आविष्कार साबित हो गया। क्या? आत्मा बिंदु है, अणुरूप है, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदु है। पहले लिंग रूप को याद करते थे, आग के गोले को याद करते थे, फिर मम्मा ने मनन चिंतन से ये बात निकाली पहले पहले, क्या, कि परमात्मा आग का बड़ा गोला नहीं है, इतना बड़ा लिंग नहीं है, क्या है? बिंदु है। ये छोटी ईजाद है या सबसे बड़ी ईजाद है? है? ये सबसे बड़ी ईजाद हो गई। तो ज्ञान का चक्र शुरू किसने किया? छोटी माँ ने। इसलिए वो हाथ जो है, दाया हाथ ऊपर का, उसमें चक्र दिखाया जाता है। फिर नीचे की भुजा गदा, धार तलवार में ज्यादा होती है कि गदा में धार होती है? तलवार में धार होती है, उसको कहते हैं ज्ञान की तलवार। ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा। एक सेकंड में आदमी मर जाता है, क्या? ज्ञान की तलवार लगी और एक सेकंड में सरेंडर हो जाता है कि जिंदा रहता है? पुरानी दुनिया का बन करके रहता है या ब्राह्मणों की दुनिया का बन जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया का बन जाता है। गदा ऐसा है, ऐसी मार करता है कि तड़पता रहता है, तुरंत नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? हाय हाय करके, तड़प तड़प करके मरेगा। तो वो भीमसेन को दिखाया जाता है गदा। भीमसेन मोटी बुद्धि वाला था या महीन बुद्धि वाला था? है मोटी बुद्धि वाला। ब्रह्मा बाबा को गदा है और पद्म, पद्म माने कमल। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है अव्वल नंबर? जो कीचड़ में रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर का खान पान में नहीं रहता, रहन सहन में नहीं रहता, कीचड़ की दुनिया में रहा पड़ा है। लेकिन मन बुद्धि से उपराम है। कौन सा ऐसा पार्ट है? जगदंबा। जो महाकाली का पार्ट बजाती है। महाकाली के जो पुराने पुराने चित्र हैं, पांव के नीचे भले दिखाया है शंकर लेटा हुआ है, लेकिन मस्तक में मूर्ति कौन सी दिखाई जाती है? है नहीं, शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। चंद्रमा तो दिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रकृति में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। इससे क्या साबित होता है कि मन में कौन बसा हुआ है? है वो ही जगत पिता बसा हुआ है। जो भी कार्य करती है उसे एक की प्रेरणा से ही करती है। तो ये चार भुजाओं रूपी आत्माएं हैं सहयोगी के रूप में। किसकी सहयोगी? किसकी सहयोगी? शिव की। शिव की अगर सहयोगी कहें तो शिव तो विष्णु बनता नहीं। विष्णु के रूप में किन कौन को दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? राम और कृष्ण को दिखाया जाता है। तो राम वाली आत्मा जो तीसरे नेत्र का पार्ट बजाती है, वो बुद्धि के रूप में है, जो चारों भुजाओं को चलाने वाली है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, तो 1000 भुजाएं प्रैक्टिकल में होंगी तब तो सहयोग करेंगी। सहयोगियों के बगैर ब्रह्मा की भुजाएं कैसे कार्य साबित हो जाएंगी? और उन भुजाओं को चलाने वाला है कोई तब तो भुजाएं चलेंगी। कि सर कटा हुआ हो और भुजाएं काम करती रहेंगी? चलाने वाला भी है जो उन चारों भुजाओं को चलाता है। तो ब्रह्मा नंबरवार हैं। लेकिन एक टाइम फिक्स है, एक सेकंड फिक्स है, जिस सेकंड में पांचों ही आत्मा एक साथ ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है। और बाबा जो अव्यक्त बाड़ी कहते हैं जी, अव्यक्त बाड़ी का अर्थ क्या है? व्यक्त कहते हैं जो इन आँखों से देखने में आए उसको कहते हैं व्यक्त, जिससे बनता है व्यक्ति। क्या कहते हैं उसे? व्यक्ति माने जो व्यक्ति देखने में आता है या नहीं देखने में आता है। अंग्रेजी में कहते हैं पर्सन। वो पर्सनालिटी देखने में आती है कि नहीं देखने में आती है? व्यक्ति देखने में आता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो देखने में आती है तो उसे कहेंगे अव्यक्त या व्यक्त? अव्यक्त। वो आत्मा अव्यक्त है और उस आत्मा की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो व्यक्त है। तो जो आंखों से देखा जाए वो व्यक्त और जो आंखों से न देखा जाए वो अव्यक्त। तो 18 जनवरी सन 69 तक दादा लेखराज का शरीर था व्यक्त या अव्यक्त? व्यक्त था। 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ दिया रात्रि को 8 बजे। तो वो आत्मा व्यक्त शरीर के साथ रही या परे हो गई? परे हो गई। उस आत्मा को कहेंगे अव्यक्त। उसका शरीर भी कैसा? व्यक्त या अव्यक्त? अव्यक्त। वो सूक्ष्म शरीर है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा 69 से लेकर के जब तक प्रजापिता वाली आत्मा जो पहला ब्रह्मा है वो 100 साल पूरा नहीं कर लेता है तब तक सूक्ष्म शरीर में ही रहती है। वो सूक्ष्म शरीर अव्यक्त अपना कार्य करता है। जब बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित होता है, उस समय राम वाली आत्मा में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है। तो दोनों आत्माओं में ज्यादा पावरफुल कौन है? राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा तब पावरफुल है जब वो निराकार बाप की याद में स्थिर है, तब ही पावरफुल है। याद सदैव रहती है क्या? है नहीं रहती। तो जब याद नहीं रहती है तब कौन सी आत्मा पावरफुल हो जाती है? कृष्ण वाली आत्मा पावरफुल हो जाती। कृष्ण वाली आत्मा अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा अर्थात बैल, बैल को या गधे को रावण के 5 सिरों का बाप के रूप में दिखाया है। देह अभिमान 5 विकारों का बाप कौन है? देह अभिमान। तो वो देह अभिमान राम वाली आत्मा को वशीभूत कर लेता है। माना बैल शंकर के ऊपर सवार हो जाता है या शंकर बैल के ऊपर सवार होता है? है? अभी स्थिति क्या है? है? है। अभी ब्रह्मा वाली आत्मा जो है, भूत प्रेतानी जो शक्तियां हैं, जो तांत्रिक शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाचों की जो शक्तियां हैं, जिन्हें रावण संप्रदाय कहा जाता है, वो हावी है। दूसरे देशों में देवताओं की मान्यता है, विधर्मी आत्माएं इस्लामी और क्रिश्चियंस फरिश्तों को मानते हैं या देवताओं को मानते हैं? फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। क्यों? देवताओं को लोग देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है। हाँ, वो भूत प्रेत वाली आत्माएं हैं, सब पाप कर्म करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए वो सारे भूत प्रेत हैं। उन भूत प्रेतों का मुखिया है भूतनाथ। क्या? भूतों को नाथने वाला, उसका नाम दिया जाता है शंकर। शंकर अर्थात मिक्स पार्टधारी। उस भूतनाथ का पार्ट तब तक चलता है जब तक संसार में विष्णु प्रत्यक्ष नहीं होता, पहला देवता। जब विष्णु प्रत्यक्ष हो जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, तो भूत प्रेतों की ताकत हमेशा के लिए खलास। फिर कहेंगे शंकर किसके ऊपर सवार हो जाता? बैल के ऊपर सवार हो जाता। अभी शंकर में शिव तो है, लेकिन उनका कहना है कि तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या? अगर याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जो याद करता है मैं उसके साथ हूँ। तो सारी बात प्रैक्टिस के ऊपर आ जाती है। जो जितनी याद का अभ्यासी है, शिव बाप उसी के साथ ही है। शिव बाप साथी नहीं है तो राम साथी नहीं है, तो फिर कौन साथी है? रावण साथी। या तो राम संप्रदाय या तो रावण संप्रदाय। इस समय बात को किस रूप में याद किया जाए? किस रूप में याद किया जाए? बाप है आत्माओं का। जैसे हमको योग लगाते हैं तो कैसे योग लगाएंगे? योग योग बाबा कहते हैं, छोड़ दो, याद करो। तुम अपने बच्चे को कैसे याद करो? बच्चे से पूछा, बच्चा मैं तेरे को कैसे याद करूं? पूछा? अपनी पत्नी से कभी पूछा कि तुमको कैसे याद करूं? ऑटोमेटिक याद आती है कि पूछते हैं कभी? जिससे प्यार हो जाता है वो ऑटोमेटिक याद आता है। जिससे प्राप्ति होती है, सुख मिलता है ना, तो जिससे सुख मिलता है वो ऑटोमेटिक याद आता है। इसमें पूछने की दरकार नहीं है। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बच्चा बाप को कभी नहीं पूछता कैसे याद करूं। और भगवान के लिए क्या विडम्बना है? भगवान के लिए पूछते हैं कि भगवान को कैसे याद करें, जबकि जन्मांतर की प्राप्ति किससे होती है? भगवान से होती है। और उसी के लिए पूछते हैं कैसे याद करूं? क्या परिचय नहीं मिला? दस दिन हुआ बाबा, भक्ति करके आए हैं, दोनों लोग हैं। हाँ भाई हम बेसिक में रहे हैं, बम्बई ये है। हाँ तो इनसे निश्चय पत्र नहीं लिखवाया है? क्या लिखवाया था उसमें? हमारे निश्चय पत्र पढ़ाई नहीं है, ऐसे ही साइन कर दिए। निश्चय पत्र में तो लिखा हुआ है कि हमारा बाप कौन, हमारी माँ कौन। ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए पूछ रहे हैं कैसे याद करें। जिसको देखा जाता है वो याद आता है। आपने आत्माओं का बाप तो नहीं देखा, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता ना, लेकिन ज्ञान की आंख से पहचाना तो क्या पहचाना? ज्योति बिंदु स्वरूप तो है, लेकिन यहाँ आके कुछ करता है कि ऐसे ही बिंदी मुर्र 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 उड़ जाती है। साकार में पार्ट बजा रहा है, तो वो साकार जो है तो एक तो ब्रह्मा है जिसके मुख से वेदवाणी चलाई, वाणी चलाई ना। क्या जैसे और धर्म गुरु, धर्म पिताएं, पंडित, विद्वान, आचार्य आते हैं, गाल बजाते हैं, वाणी चलाते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही किया। भगवान इतना ही करता है, ज्ञान सुनाता है, बस ज्ञान सुना के और कुछ नहीं करता। अरे कुछ करता है कि नहीं करता? और आगे ले जाने के लिए तैयारी करते हैं, स्वर्ग में ले जाऊंगा। स्वर्ग बनाता नहीं है, है? स्वर्ग बनाता है कि नहीं? स्वर्ग बनाता है, तो बनाने के लिए साकार चाहिए। तो वो साकार कौन? स्वर्ग बनाता है, उस स्वर्ग को राम राज्य कहते हैं कि रावण राज्य कहते हैं? तो राम राज्य राम बनावेगा या शिव बनावेगा? जब कहते ही हैं राम राज्य, राम का राज्य, शिवराज्य तो कहते नहीं। शिवराज्य कहे तो शिव क्या राज्य करता है? नहीं करता। ब्रह्मा राज्य नहीं कहते, विष्णु राज्य भी नहीं कहते, न ब्रह्मा राज्य, न विष्णु राज्य, न शिव राज्य, कोई देवता का नाम नहीं लेते। शंकर राज्य भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम राज्य। माने राम वाली ही आत्मा राम राज्य स्थापन करती है, निमित्त बनती है। तो वो राम वाली आत्मा जो बाण छोड़ छोड़ करके रावण संप्रदाय को घायल करती है, रावण संप्रदाय को धराशायी कर देती है, रावण और कुंभकरण जैसे सन्यासियों को धराशायी कर देती है, उन्हें जवाब नहीं आता है देने को। वो ज्ञान बाण छोड़ने वाली आत्मा को एडवांस ज्ञान में आकर के नहीं पहचान पाए, है? अरे पहचाने? अरे ये क्या बात हो गई, क्या भूत आ गया क्या? हाँ शास्त्र में शक्तियों का नाम आगे दिया गया है, शास्त्र में शक्तियों का नाम जैसे आगे दिया गया है शास्त्र में, सीता राम राधे श्याम। हाँ लेकिन शंकर का नाम आज में आगे दिया गया है, पार्वती पार्वती शंकर ना कहा कर शंकर और पार्वती कहा गया। देवियों का नाम इसलिए आगे दिया गया है कि देवियों के साथ पीछे से पुछल्ला लगा है देवताओं का। क्या वो देवताओं का पुछल्ला है? वो जो पुछल्ला है वो देवता है कि भगवान है? और शंकर पार्वती में, शंकर पार्वती में जो पार्वती पुछल्ला है और शंकर क्या है? भगवान है। तो भगवान को आगे रखेंगे या देवी देवता को आगे रखेंगे? भगवान को आगे रखना पड़े। अरे भगवान को भी पवित्र बनने के लिए देवी का आधार लेना जरूरी है, है? देवताओं को पवित्र बनने के लिए, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए किसका आधार लेना पड़े? देवियों का आधार लेना पड़े, शक्तियों का आधार लेना पड़े, लेकिन भगवान को आधार लेने की दरकार नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है, और वो एवर प्योर भगवान सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ रूपी शरीर है जिसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। उस शरीर का नाम पड़ता है शंकर, इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ते हैं, विष्णु का नाम नहीं जोड़ते हैं, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ते हैं। किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ते हैं। उसमें भी पुछिल्ला कौन है? अरे शिव शंकर जब साथ साथ कहते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, तो उनमें तो पुछिल्ला बना दिया देवताओं को, और शिव शंकर में पुछिल्ला कौन है? क्यों शंकर को पुछिल्ला क्यों बना दिया है? हाँ, उसको इसलिए पुछिल्ला बना दिया कि वो हर बात बाबा से पूछ करके करे, नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। सरस्वती ब्रह्मा कहते हैं बाबा, ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहते। हाँ, इसमें सरस्वती पुछिल्ला है। सरस्वती जो है वो ब्रह्मा को पवित्र बनाती है, क्या बनाती है? सरस्वती ने ब्रह्मा को पवित्र बनाया? बनाया नहीं। सरस्वती ब्रह्मा को भी पवित्र बनाने वाला कोई और है, इसलिए सरस्वती तो फॉलोअर है। किसकी? ब्रह्मा की फॉलोअर है, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती कहा जाता है। बाबा जलय मानत जलज निधि नाथ बिंदी है लक्ष्मण बान सराहिए दिन भय होश में प्रीत है। जो सागर है वो तब तक पिघलता नहीं है, क्योंकि सागर जो है, सागर के पेट में क्या क्या भरा पड़ा है? सिर्फ रतन ही है, कचरा नहीं है, है? कचरा ज्यादा भरा पड़ा है कि रतन ज्यादा भरे पड़े हैं? कचरा ज्यादा भरा पड़ा है। तो जो सागर है उसको शूद्र कहा गया है। क्या क्या कहा गया? शूद्र। उस ज्ञान सागर में वो ज्ञान सूर्य न प्रवेश करे तो वो रतन बाहर नहीं आ सकते। रतन बाहर कब आते हैं? जब ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। तो वो शूद्र है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कलयुग में सब ही ताड़ना के अधिकारी। सत्युग त्रेता में नहीं, द्वापर में भी नहीं। द्वापर में फिर भी सतो प्रधानता रहती है, सात्विक शास्त्र लिखे गए। कलयुग में की बात बताई कि जो शूद्र बुद्धि होती है वो ताड़ना के बगैर कंट्रोल में नहीं आते हैं। इसलिए सागर का पार्ट बजाने वाला कौन है? जिस सागर में नदियां जाकर के मिलती हैं, राम बाप वाली आत्मा है। जब लंका पर विजय पाने के लिए सागर को पार करने की बात आई, सागर माने विषय सागर, काहे का सागर है? विषय विकारों का सागर। इस विषय सागर को पार किए बगैर सोने की लंका में पांव नहीं रखा जा सकता था। तो बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं माना। तो तब क्या होता है? लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, क्रोध आता है। क्या क्रोध आता है? तो लक्ष्मण कौन है और राम वाली आत्मा कौन है? है प्रजापिता राम वाली आत्मा और लक्ष्मण वाली आत्मा है छोटी मम्मी कृष्ण वाली आत्मा है। तो 69 से लेकर के और 76 तक वो ज्ञान रतन लेकर के सागर सामने आया, क्या प्रत्यक्ष हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्या करना पड़े? है कहते हैं सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी अंगुली करनी पड़ती है। जो टेढ़ा चंद्रमा है ना, वो प्रवेश करता है किसमें? शंकर में। अज्ञान रतन उगलने लग पड़ते हैं। 76 से पहले क्या राम वाली आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं था? है? था? क्या उस समय मनन चिंतन मंथन नहीं चलता था? 7-8 साल है चलता था। उस समय भी मनन चिंतन मंथन चलता था, लेकिन बाहर नहीं आया। तो रतनों को बाहर तो निकाला ही नहीं। तरकीब तो सामने आई नहीं कि विषय सागर को कैसे क्रॉस किया जाए। जब वो रतन बाहर आएंगे ही नहीं तो बुद्धि हल्की बनेगी? नहीं बनेगी। वो ज्ञान रतन बाहर आए और बाहर आने के साथ ही साथ जो पत्थर हैं, पत्थर बुद्धि हैं, वो हल्के बनने लगे। बने कि नहीं हल्के? है? कितने ढेर सारे प्रश्न होते थे बीके में क्लास करते समय और उनका जवाब नहीं मिलता था। माथा भारी हो जाता था, अरे ये कैसा भगवान। तो भारी माथे को सागर प्रत्यक्ष हुआ तो क्या हुआ? वो माथे हल्के होने लगे। वो पत्थर जो भारी होते हैं, वो पत्थर बुद्धि हल्के होकर के पानी के ऊपर, ज्ञान जल के ऊपर तैरने लगे और पुल बन गया। सेवक राम यज्ञ से बाहर निकले तो क्या आज में जब निकले बाहर तो क्या उसमें सूर्यवंशी का एक संगठन बनाए अलग से कि नहीं बनाए? बाहर निकल के सूर्यवंशी का संगठन बनता है क्या? तो नहीं निकले होंगे साथ और भाई तो निकले होंगे ना। है? जब सेवक राम निकले होंगे उनके ग्रुप का और भी तो आत्मा निकले होंगे ना यज्ञ से। उनकी ग्रुप की आत्माएं तो पहले से ही तैयार हो रही थी यज्ञ के अंदर। पहले चंद्रमा आएगा कि चंद्रवंशी आत्माएं आएंगी? पहले चंद्रमा आए, तब चंद्रमा के पीछे पीछे चंद्रवंशी आत्माएं आए। पहले सूर्य आए, फिर सूर्य के पीछे सूर्यवंशी आत्माएं आए। तो सन 36 में ज्ञान सूर्य वाली आत्मा जो थी उसके पीछे पीछे और सूर्यवंशी आत्माएं भी निकली। उसी समय ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं नहीं निकली। नहीं समझ में आया? अरे सरस्वती पहले आती है या ब्रह्मा पहले ज्ञान में आता है? पहले ब्रह्मा आता है, बाद में सरस्वती आती है। सतयुग में भी ऐसे ही जन्म होगा, पहले कृष्ण का जन्म होगा, फिर राधा का जन्म होगा। जन्म देने वाले जो यहाँ थे शूटिंग पीरियड में, जिन्होंने यहाँ बुद्धि में बैठाया, वही वहाँ बुद्धि रूपी पेट नहीं होगा। कौन सा पेट होगा? है स्थूल पेट होगा। स्थूल पेट से वहाँ राधा कृष्ण जन्म लेंगे। यहाँ बुद्ध रूपी पेट, वहाँ स्थूल पेट। शूटिंग तो यहाँ होती है। तो ऐसे ही जब ज्ञान सूर्य निकला तो सूर्य के साथ साथ जब तक मम्मा बाबा की बुद्धि में बात पूरी नहीं बैठी तब तक कौन से बच्चे निकले है? अरे सन 42 तक कौन से बच्चे निकले होंगे? सूर्यवंशी बच्चे निकले। सूर्य वहाँ जब तक मौजूद रहा तब तक सूर्यवंशी निकलेंगे या बाद में भी निकलेंगे? है? क्या बाबा ने पूछा उन्हें ब्राह्मणों से, पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तुम अपने को कहते हो ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बतनवासी है। तो बोलो तुम भी सूक्ष्म बतन में जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पालो फादर। इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी है, और ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं। नहीं तो दुनिया वालों की तरह हो जाता है। दुनिया वाले भी क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसकी औलाद? कहाँ है? दुनिया वाले। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। सूर्य है तो सूर्य को फॉलो करने वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण भी हुए होंगे। जब तक वो ज्ञान सूर्य यज्ञ में रहा तब तक सूर्यवंशी ब्राह्मण पैदा होते रहे। जब वो चला गया तो उसके पीछे पीछे सूर्यवंशी भी चले गए। हाँ हाँ। तो सेवक राम ने शरीर छोड़े कि कैसे क्या हुआ? शरीर छोड़े के कैसे क्या हुआ? हाँ अरे कुछ हिस्ट्री नहीं मिलती है उनकी, इनकी सेवक राम की हिस्ट्री नहीं मिलती। क्यों हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती? शरीर छोड़ने की नहीं मिलती तो यहीं कहीं होगा, कलकत्ते में ढूंढना जाके। अरे जब शरीर छोड़ा ही नहीं, हिस्ट्री मिलती ही नहीं, तो कलकत्ता में मिलेगा ना। लोग तो हजारों साल पुरानी हिस्ट्री निकाल लेते, तुम 70 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। हाँ जी। आज में पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के लिए कई ट्रेन चली, लास्ट उसके साथ दी गई है। आज में हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए एक ही ट्रेन चली, उसके बाद जो भी चली वो काट दी गई। क्यों? बंगलौर से ट्रेन नहीं चली थी पाकिस्तान के लिए? मैंने यहाँ से पाकिस्तान, कलकत्ता से पाकिस्तान के लिए नहीं चली? एक बार हर जगह से चली होगी। हाँ तो ऐसे ही अंत में भी होगा कि जहाँ तुम्हें बुलावा होगा। और यहाँ भी तो देश की बात है, तुम परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो देश बदल गया ना, निराकारी देश हो गया ना। सारी दुनिया की बुद्धि कहाँ लगेगी लास्ट में? कौन धरा है वहाँ जो वहाँ बुद्धि लगेगी? है परमधाम में कौन बैठा है जो सारी दुनिया की बुद्धि वहाँ लगेगी? अरे जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनका बाप वहाँ बैठा होगा, सबको पता चलेगा हमारी मनुष्य सृष्टि का बाप वहाँ बैठा हुआ है, हम आत्माओं का बाप वहाँ आया हुआ है, तो सारी दुनिया की बुद्धि वहाँ लगेगी। तो परे ते परे धाम हो गया ना, सारी दुनिया तो नहीं पहुँच पाएगी, वो देश ही अलग हो गया। गीता में बाबा भीष्म पितामह को 6 महीना दिखाया गया, अभी बाढ़ के सैया पर सोए, संगम पर कौन सोया 6 महीना तक? भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? कौन से वर्ग की आत्माएं हैं जिन्हें भीष्म पितामह मिसल बताया गया? है सन्यासी। कौन से सन्यासी? जो बाल ब्रह्मचारी थे वो सन्यासी अभी तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, हैं? नहीं सुनते हैं। उन सन्यासियों को भगवान आकर के अर्जुन का रथ लेता है। क्या रथ किसका लेता है? जो पुरुषार्थ का 100% अर्जन करने वाला है, उस अर्जुन के रथ में भगवान प्रवेश होता है, रथ चलाता है, इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता है, और उसमें अर्जुन की आत्मा बाण चलाती है। कौन से बाण? ज्ञान के बाण। लेकिन वो ज्ञान के बाण चलाती तो है, लेकिन सामने कन्या को खड़ा कर देती है। किसको? कन्या को खड़ा कर देती है। ये रुद्रमाला के जो मणके हैं कन्याएं, रुद्रमाला के मणकों में कन्याएं हैं या नहीं है? हैं। वो कन्याएं कामपिल्ले नगर से निकलती है। शिखंडी कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? कामपिल्ले नगर से। ध्रुवपद की औलाद था। किसकी औलाद? ध्रुवपद। पद जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। वो कन्या को सामने कर देता है और पीछे से बाण मारता है। बाण कन्याओं के या अर्जुन के बुद्धि रूपी हाथ से निकले हैं? अर्जुन के बुद्धि रूपी हाथ से बाण निकलते हैं ज्ञान के। और भीष्म पितामह समझते हैं कि सामने कौन बाण मार रहा है? कन्या मार रही है। वो छोटी छोटी कन्याएं तो बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं तो उनको बाण मारेंगी। देखो शास्त्र में तो ऐसे लिखा, तुम इनका अर्थ ऐसे कैसे निकाल दिया है? जब एक एक बात का बाण उनको लगेगा तो मजबूर हो जाएंगे कि नहीं? बात का जवाब आएगा? उनको बात का जवाब नहीं आएगा, वो प्रतिरोध नहीं कर सकेंगे, मरेंगे भी नहीं। क्या? जीते जी मरेंगे भी नहीं, सरेंडर भी नहीं होंगे, धराशायी हो जाएंगे। और उनकी प्रतिज्ञा है कि तब तक नहीं मरेंगे। क्या? तब तक सरेंडर नहीं होंगे, जीते जी नहीं मरेंगे, जब तक सूरज उत्तरायण नहीं हो जाएगा। क्या? सूरज माने ज्ञान सूर्य बाप। कौन? शिव बाप। शिव बाप दक्षिणायन माने भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो विदेश है कि स्वदेश? विदेश। तो शिव बाबा भी विदेश में ज्यादा चक्कर लगा रहा है एडवांस पार्टी में, या उत्तर भारत में ज्यादा चक्कर लगाए है? बाप विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर के आया है? विदेशी बनकर के आया है। अगर स्वदेशी बनकर के आया होता, राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया होता, तो सारी दुनिया की आत्माओं से संबंध नहीं जोड़ सकता था। इसलिए बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, और वो विदेशी बाप दक्षिणायन कहा जाएगा। ज्ञान सूर्य है ना, वो ज्ञान सूर्य दक्षिणायन में है, दक्षिण दिशा में चक्कर काट रहा है, या उत्तरायण है? दक्षिण दिशा में चक्कर काट रहा है। तो जब तक दक्षिण दिशा में है तब तक वो सरेंडर होने वाले, जीते जी मरने वाले नहीं है। जब उत्तरायण आएगा माने उत्तर भारत में चक्कर काटेगा, तो धराशायी हो जाएंगे। धराशायी नहीं, सरेंडर बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए बोला कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी वो सरेंडर बुद्धि नहीं बन सकते, बनेंगे। अभी तो धराशायी भी नहीं हुए, अभी तो कन्याओं ने बाण भी नहीं मारे हैं क्या? अभी तो इन छोटी छोटी कन्याओं को शास्त्रों का पता भी नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अभी तो उनको टीवी में दिखाया जा रहा है कि देखो इस शास्त्र में ये बात लिखी है, उस शास्त्र में ये बात लिखी है, उस शास्त्र में ये बात लिखी है। तो शास्त्र जब बुद्धि में बैठ जाएंगे, शास्त्रीय ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, तो ईश्वरीय ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान से टैली करके उनसे लड़ाई भी लड़ सकेंगे। तो भीष्म पितामह कौन से उत्तरायण में शरीर छोड़ा? पृथ्वी गोल है, ऊपर उत्तरायण है, नीचे दक्षिणायन है क्या? सूर्य जो है वो 6 महीने उत्तर में चमकता है क्या? उत्तर भारत में ठंडी होती है, और 6 महीने दक्षिण में चला जाता है। जब दक्षिण में चला जाता है तो उत्तर भारत में ठंडी होती है, और जब उत्तर में आता है तो उत्तर भारत में गर्मी हो जाती है। नहीं समझ में आया? पृथ्वी गोल है हैं? और ये गोल पृथ्वी में सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर ज्यादा चमकता है 6 महीने, तो गर्मी हो जाती है उत्तर में, भीषण गर्मी, और वही दक्षिण में चला जाता है। तो अभी सूर्य कहाँ जा रहा है? प्रैक्टिकल में दक्षिण में जा रहा है। तो अभी यहाँ क्या हो गई? ठंडी हो गई। वो तो है स्थूल सूर्य, स्थूल पृथ्वी की बात। ये है ज्ञान सूर्य, और ज्ञान की धरणी है कन्याएं माताएं। तो जब उत्तरायण होगा, उत्तर भारत में जब ज्ञान सूर्य चमकेगा और ज्ञान गंगाएं निकलेंगी, तो गंगा जी के किनारे चौकड़ी मारने वाले सन्यासी भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? वो भी निकलेंगे। हाँ, शाम हो गई। चलो बस हो गया, अब तो घर याद आने लगा भाई है। भीष्म कहा जाता है भयंकर, और पितामह कहा जाता है बापों का बाप। अभी रहन दो, भूख लग रही है, उठ के भाग रहे हैं। तुम अकेले की बात थोड़ी ही है